तो गाइज आज मैं और जेठा करने वाले एक खतरनाक सा मॉब पेंट बैटल, जिसके अंदर मेरे को जेठा को अपने मन से एक मॉब की पेंटिंग बनानी है, लेकिन वो पेंटिंग बनाने के बाद होगा असली चमत्कार, क्योंकि हम जिस भी मॉब की पेंटिंग बनाएंगे वो मॉब हमारे सामने प्रकट हो जाएगा और फिर वो मॉब आपस में लड़ेंगे और इस बार देखना है कि कौन जीतता है। गाइज वैसे तो नहीं कॉम्पिटिशन अय्यर भाई और जेठा के बीच में होने वाला था, लेकिन गाइज अभी ना वो अय्यर भाई थोड़े बिजी क्योंकि उनको रॉकेट बनाना है, तो इसलिए वो आज ये वाले कॉम्पिटिशन में अपना साथ नहीं दे पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, जेठा के लिए तो अपन ही काफी। एंड गाइज ये देखो यहाँ पर होने वाला है वो घमासान युद्ध, और गाइज वो देखो वो अपने जेठे आराम फरमा रहा है। अरे वो जेठे तेरे को मालूम है ना क्या करना है अपने को? अरे हाँ बड़े भैया, मेरे को मत सिखाओ, ये सब चीजें मैं अपने बचपन में करता था। और भाई प्लीज इस बार कोई चीटिंग मत करना, क्योंकि मुझे मालूम है तूने लास्ट टाइम भी चीटिंग करी थी। गाइज आपको पता है क्या कर रहा था लास्ट टाइम? ये ना इनविजिबल पोशन पीकर ना अपने ताकत की कर रहा था। लेकिन भाई जेठे इस बार तो कोई चीटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि गाइज इस बार इसको मालूम पड़ेगा ही नहीं कि अपने कौन सा मॉब स्पॉन करा है। तो फिर देखिए गाइज अपन यहाँ पर एक वॉल डाल देते हैं और चल के बनाते हैं अपना पहला मॉब। तो देखो गाइज इस बार का मॉब बैटल अपने को किसी भी हाल में जीतना है, तो मैं सोच रहा हूँ अपन बनाते हैं गोलम, क्योंकि गोलम होता है सबसे ताकतवर। लेकिन गाइज अपन जो गोलम बनाने वाले ना वो होने वाला है सबसे अलग। अरे भाई मैं इतना बोल कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं आपको बना के दिखाई देता हूँ ना। तो गाइज देखो अपने को जो गोलम चाहिए ना वो चाहिए नेदरराइट का, तो उसके लिए अपन काला रंग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन मुंह बनाते हैं और ये होने वाला है उसका मुंह। और गाइज मैंने जो ये बीच में जगह छोड़ी ना, ये होने वाली है उसकी आंख, और ये होने वाली है ऑरेंज कलर की। मैं चाहता हूँ कि उसकी आंख में से ना आग निकले। मुंह तो बन गया है, अब बनाते हैं उसकी गर्दन, और इसके नीचे बनाएंगे अपन 56 इंच की छाती। गाइज अपने को ना एकदम बॉडी वाला गोलम बनाना है, तो इसकी बॉडी अपन बहुत अच्छी खासी बनाएंगे। हाँ ये सही है। अब इसके नीचे बनेगी इसकी पतली कमर, और पतली कमर के नीचे बनेगी इसकी चड्डी। ये देखो अपने गोलम का आ गया ना शेप। अब अपन बनाएंगे इसके मोटे मोटे पैर, और इधर बनाएंगे साइड में इसके 2.5 किलो के हाथ, क्योंकि ना मैं चाहता हूँ कि गोलम के हाथ में इतना दम हो कि जेठे का मॉब ना एक लपड़ में लेट जाए, लेट के बेहोशी हो जाए एकदम। तो अपन ना एक काम करते हैं, इसके हाथ में भी ना आग की पावर दे देते हैं, ताकि ना आग की गोली भी छोड़ सके। यार मैं बना तो रहा हूँ, इसको समझ में तो आ जाएगा ना, पता नहीं गाइस क्या होने वाला है, लेकिन चलो बना देते हैं। चलो इसको ना अपन अब जूते पहना देते हैं, और ना इसकी छाती पे भी ना थोड़ी सी डिजाइन डाल देते हैं, ताकि थोड़ा ना एकदम ऐसा अच्छा खतरनाक दिखे, और जेठे का मॉब इसको देखते से डर के भाग जाए। और ये हो गया है अपना फाइनल डिजाइन रेडी, और इसका अपन नाम देते हैं खतरनाक गोलम। ओके किधर है गोलम? ओ देखो गाइस ये आ गया। ओ भाई देखो एकदम एग्जैक्ट, मतलब एक चीज का भी फर्क नहीं है, अपन जैसा चाह रहे थे बिल्कुल वैसे ही आ गया, कमाल की चीज यार ये। तो रुको गाइस मैं आपको एकदम पास से दिखाता हूँ। ये देखो गाइस बिल्कुल भी फर्क ही नहीं है, एकदम सेम टू सेम। छाती पर भी देखो सेम टू सेम एकदम वही डिजाइन आया, और देखो हाथ में आग की पावर भी आ गई है। चलो भाई अपना तो हो गया, और जेठिया तेरा हुआ कि नहीं? ओके गाइस बड़े भैया ने तो अपना मॉब बना लिया है, लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया, देखो मेरा एकदम खाली पड़ा है, क्योंकि मैं ना बड़े भैया का बनाने का वेट कर रहा था। तो चलो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से चुपचाप से देखते हैं कि भैया ने कौन सा मॉब बनाया है, क्योंकि गाइस मैं चीटिंग नहीं करूँ ऐसा हो नहीं सकता। ओके यहाँ से दिख रहा है, और ये भैया ने क्या बनाया है? क्या है भाई ये तो एकदम टीन का डब्बा लग रहा है, कोई गोलम है शायद। तो अच्छा भैया ने गोलम बनाया, तो अपन इससे एकदम खतरनाक वाला गोलम बनाएंगे। तो फिर ठीक है चालू करते हैं पेंटिंग। एंड गाइस अपने जो गोलम का मुंह होगा वो ही बहुत खतरनाक होगा, मतलब गाइस इसका मैं चेहरा ना इतना खतरनाक बनाऊंगा कि भैया का मॉब देख के ना डर जाएगा। चलो भाई चेहरा तो बन गया है, अपन अब इसको पहनाएंगे एक सोने का हेलमेट, पूरे सर को एकदम अच्छे से कवर कर देते हैं। ये देखो वाओ परफेक्ट। अब गाइस अपन इसकी दो आग बना देते हैं, क्योंकि अगर आग नहीं बनाएंगे तो अपना गोलम देखेगा कैसे। तो ठीक है अपन अब इसकी छाती बनाते हैं, और इसकी छाती ना भैया के गोलम से ना ज्यादा चौड़ी होना चाहिए, तभी तो अपने गोलम भैया के गोलम को हरा पाएगा। क्या बात है एकदम झकास। अब अपन बनाते हैं इसके 5-5 किलो के हाथ। अब अपने काम करते हैं गाइस, इसकी आंखें थोड़ी सी और अच्छी कर देते हैं, और एक नाक दे देते हैं इसको, एक मोटी सी लंबी सी नाक दे देते हैं इसको, क्या ताकि क्या इसका चेहरा भी ना एकदम खतरनाक दिखे। चलो भाई अभी तक तो बहुत सही दिख रहा है, अपन एक काम करते हैं ना इसके हाथ पर ना सोने के ग्लोव्स पहना देते हैं, क्योंकि गाइस मैं चाहता हूं जब ये मारे ना तो सामने वाले की बॉडी में ना छेद हो जाए। अब अपन ना इसकी एक मोटी सी कमर बना देते हैं, भैया की गोलम की कमर ना बहुत पतली है, लेकिन अपने गोलम की कमर ना एकदम मोटी होना चाहिए, और साथ में इसके मोटे मोटे पैर बना देते हैं। चलो भाई ये हो गया। अब गाइस मैं चाहता हूँ ना मैं इसके कंधे पर ना दो मिसाइल लगा दूं, एक ना ये वाले कंधे पर और दूसरा ये वाले कंधे पर। चलो भाई अपन ने मिसाइल तो बना दिए, पता नहीं ये समझ पाएगा कि नहीं। ठीक है अभी तक तो सही, लेकिन मेरे को थोड़ी सी ना कमी लग रही है। अपन एक काम करते हैं इसकी बॉडी पर ना ऐसी पीली पीली डिजाइन बना देते हैं। होगी गाइस अपना गोलम तैयार हो चुका है, और यार ये तो एकदम बेंटेन के एलियन जैसा दिख रहा है। चलो ठीक है जो बन गया सो बन गया, अपन तो इसका नाम दे देते हैं मिसाइल गोलम। होगी किधर आया अपना मिसाइल गोलम, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। और ये रहा, ये देखो गाइस जैसा अपन ने बनाया था बिल्कुल वैसे ही आ गया। रुक जाओ मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो कंधे पर मिसाइल भी आ गई, और देखो ये सोने का हेलमेट भी पहना हुआ है, और जैसी अपन ने डिजाइन दी थी बिल्कुल वैसा ही आया है। लेकिन एक सेकंड, मैंने इसके ऐसे तो हाथ नहीं बनाए थे, ये ऐसे उल्टे हाथों से किसे लड़ेगा? पता नहीं यार शायद अपन ने पोलियो वाला गोलम बना दिया है। चलो जो बना दिया अपन तो भैया को मैच चालू करने का बोल देते हैं। चलो बड़े भैया मैच चालू करो। ओके गाइस जेठिया तैयार हो चुका है, तो अपन दीवार हटाते हैं। और ये जेठिया ने क्या बनाया है भाई, ये भी बिल्कुल गोलम जैसे दिख रहा है। यार ये जेठे को मालूम कैसे पड़ा कि मैंने भी गोलम ही बनाया था, लेकिन कैसा अजीब सा गोलम है, हाथ भी उल्टे हैं, और देखो कंधे में पता नहीं क्या लगा है। देखते हैं अभी ये युद्ध कौन जीतता है, अपना मॉब तो कोशिश कर रहा है।
और गाइस ये क्या, अपने गोलम को जेठे के गोलम ने टपका दिया। और देखो यहाँ पर आग भी लगा दी। यार ये जेठे ने क्या गोलम बनाया है भाई, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई अपने गोलम को मारने में। दो तीन पंच में इसने अपने गोलम को ढेर कर दिया। गाइस मेरे को लगता है इसके जो ये उल्टे आते ना बहुत खतरनाक है, और ऊपर से ना ये आग भी छोड़ता है। क्या रे जेठे, तू चीटिंग तो नहीं कर रहा है ना? अरे नहीं बड़े भैया, मैं क्या बचपन से पेंटिंग करते आ रहा हूँ, ये सब मेरे लिए बच्चों वाला काम है। चलो गाइस ये पहला मैच था, तो अपन मान लेते हैं कि जेठे सही बोल रहा है। अभी भी क्या है, चार मैच बचे हैं, तो वो मैच तो अपन जीत ही लेंगे, क्योंकि गाइस अब मैं ऐसे खतरनाक मॉब बनाने वाला हूं कि जो आपने भी नहीं देखे होंगे, तो इसलिए आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। ये हार वो जेठे के पागल गोलम ने यहाँ पर पूरा खराब कर दिया मेरा एरिना। और गाइस ये जो अपने गोलम की पेंटिंग बनाई थी ना, इसको फेंको आग में, बहुत ही कमजोर गोलम निकला ये तो। गाइस अब मेरे दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक मॉब आ रहा है, अपन बनाते हैं जोकर। अपन ना ऐसा खूंखार और खतरनाक जोकर बनाएंगे कि जेठे का मॉब ना देख के डर जाएगा। तो देखो अपने जोकर के ना ऐसे बड़े बड़े ना सिंह होंगे, तो एक सिंह अपन ने यहाँ बना दिया और दूसरा अपन यहाँ बना देते हैं। ये देखो गाइस कुछ इस तरह। अब अपन बनाते हैं चेहरा, तो उसके लिए अपने को स्किन कलर बनाना पड़ेगा, तो ये कलर सही रहेगा। तो चलो इससे बनाते हैं अपन अपने जोकर का चेहरा। तो मेरे को ना चेहरा भी एकदम ऐसा ना खूंखार बनाना पड़ेगा, ताकि अपना जोकर ना एकदम ना डरावना दिखे। चलो अब बनाते हैं इसकी आंखें, और आंखों पर अपन ना ऐसा टेक्सचर देंगे, एक आंख ऊपर और एक आंख नीचे। अब अपन बनाएंगे अपने जोकर की डरावनी स्माइल, ये देखो। एंड गाइस अपन ना इसकी थोड़ी आंख के आसपास भी ना खून लगा देंगे, और देखो कितना डरावना दिख रहा है अभी से ये। अब अपने को बनानी है अपने जोकर की बॉडी, तो जो बॉडी रहेगी ना गाइस वो रहेगी स्केलेटन वाली। मतलब समझ रहे हो, अपना जोकर जो है ना आधा इंसान है और आधा स्केलेटन है। अब इसके जो हाथ रहेंगे ना वो भी हड्डी के ही रहेंगे, तो अपन ना इसे हड्डी वाले हाथ बना देते हैं। और देखो ये भी काफी मस्त दिख रहा है। अब अपने को बनानी है इसकी कमर, तो ये बन गई अपनी कमर। एंड गाइस अपना जो जोकर है ना वो ना असल में एक डब्बे में से बाहर निकलेगा, तो वो जो होता है ना एकदम स्प्रिंग वाला जोकर अपने को बिल्कुल वैसा बनाना है। मतलब ऐसा लगे कि डब्बे में से ना जोकर बाहर निकल रहा हो। चलो भाई इसको फिर फाइनल करते हैं, एंड अपन इसका नाम देते हैं डब्बे वाला जोकर। तो डन करते हैं, और किधर है अपने डब्बे वाला जोकर? और ये खड़ा हुआ है भाई, ये क्या है? अरे ये तो अपने जोकर है जो अभी अपन ने बनाया है। देखो गाइस जैसा मैंने चाहा था बिल्कुल वैसे ही आ गया, और बल्कि तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी पेंटिंग से ज्यादा अच्छा निकल के आया है। और ये देखो कैसे डब्बे में से बाहर निकल रहा है। और भाई बिजली भी कड़का रहा है ये तो यार, लगता है इसके पास बहुत सारी पावर्स भी हैं। लेकिन मानना पड़ेगा यार कितना डरावना दिख रहा है, देखो इसकी हाइट भी इतनी लंबी है। जेठे का मामा तो अब इसके सामने क्या ही टिक पाएगा। एक बार गाइस इसकी शक्ल देखो आप, मैं सही बता रहा हूँ मेरे को आज नींद नहीं आने वाली। चलो भाई अपन ने तो अपना मॉब बना लिया, पता नहीं जेठे ने क्या मॉब बनाया होगा। ओके गाइस अपन पहला मैच तो जीत गए, अपन अब देखते हैं कि भैया ने कौन सा मॉब बनाया है। तो ठीक है फिर चलते हैं, और यहाँ से एकदम चुपचाप से झांक लेते हैं। अरे भाई किधर है, भैया का मॉब दिख ही नहीं रहा है। अरे वो रहा, और ये भैया ने क्या बना दिया, ये तो मेरे को कुछ जोकर दिख रहा है, और साथ में काफी ही खतरनाक खूंखार और ताकतवर दिख रहा है। तो ठीक है फिर इसको टक्कर देने के लिए अपने को भी एक जोकर ही बनाना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में एक जोकर का डिजाइन है, तो उसको बनाते हैं। तो देखो जोकर ना टोपी पहनता है, तो सबसे पहले ना अपन उसकी टोपी बनाएंगे जो होने वाली है ब्लू कलर की। तो ये अपनी टोपी तैयार हो गई है, अपन अब बनाते हैं चेहरा। तो जो चेहरा अपने को बनाना है ना गाइस, वो अपने को भैया के मॉब से भी डरावना बनाना है, तो इसलिए ना मैं अपने जोकर के ना बड़े बड़े कान रखूंगा एकदम पीके की तरह, और इसकी ना मैं एक आंख ना फूटी भी बनाऊंगा जिसमें से ना खून निकल रहा होगा। इन शॉर्ट अपना जो जोकर होगा ना वो एक आंख से अंधा होगा, तो इसलिए मैंने इसकी दूसरी आंख भी बना दी है। एंड गाइस अपने जोकर के ना बड़े बड़े दांत होंगे, और एक खतरनाक वाली स्माइल होगी। तो अपना गाइस अपन उसके ना बॉडी बनाते हैं, तो उसको ना अपन ऐसे ग्रीन कपड़े पहनाएंगे, क्योंकि अपने को ना एकदम जोकर वाली फीलिंग देनी है। अब गाइस अपन उसके बनाते हैं 2.5 किलो के हाथ, और साथ में गाइस अपन इसके हाथ थोड़े से लंबे भी बनाएंगे, क्योंकि गाइस इसके हाथों में मैं देने वाला हूँ दो बड़ी बड़ी तलवार। तो क्या है कि इसके हाथ लंबे रहेंगे ना तो ये अच्छे से मार पाएगा। अब अपन ने इसके लिए एक लाल पेंट बना देते हैं, जो वो पहनेगा उसको अपने को नंगा थोड़े ना रखना है। एंड गाइस साथ में ना अपन उसको जूते भी बना देते हैं। अपन ने अपने जोकर में इतना सब कुछ बना दिया है, पता नहीं ये समझ पाएगा कि नहीं। तो चलो देखते हैं कि कैसा जोकर निकल के आता है। तो इसका अपन नाम दे देते हैं खूंखार जोकर। और किधर है अपना खूंखार जोकर? अरे एक्सपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ यार? अरे वो रहा। ओके गाइस ये देखो अपना खूंखार जोकर टेलीपोर्ट हो चुका है, और जैसा अपन चाह रहे थे बिल्कुल वैसे ही बना है। बड़े बड़े कान, एक आंख फूटी हुई, और देखो बड़े बड़े दांत भी इसके, और साथ में गाइस देखो इसके हाथ में बड़ी बड़ी तलवारें भी हैं। बस यार एक ही दिक्कत है, ये आधा टकला है। चलो कोई बात नहीं, वो अच्छा करा कि अपन इसको टोपी पहना दी। चलो भाई अपना जोकर तैयार हो चुका है, बड़े भैया मैच चालू करो। ओके तो गाइस जेठे भी तैयार हो चुका है, तो अपन दीवार हटाते हैं और देखते हैं कि जेठे ने क्या स्पॉन करा। और भाई ये क्या, जेठे ने इस बार भी मेरे जैसे ही मॉब स्पॉन करा है जोकर। यार भाई मेरे को तो कोई गड़बड़ लग रही है, बार बार मेरे जैसे ही मॉब स्पॉन कैसे कर पा रहा है। चलो ये वाला मैच तो हो जाने दो, उसके बाद ना मैं जेठे पे नजर रखूंगा, क्योंकि यार ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है, जेठे चीटिंग कर रहा है। मतलब मैंने इस बार जोकर बनाया तो इसने भी जोकर बना दिया। तो ओके गाइस युद्ध चालू हो चुका है, और अपना जोकर एकदम हवा में उड़ गया। बहुत बड़े कितना भयंकर घमासान हो रहा है। देखो तो सही अपने जोकर किसी लंबी लंबी छलांग मार के जेठे के जोकर को मार रहा है। लगता है अपना जोकर तो जेठे के जोकर की वाट लगा देगा। पता नहीं कौन जीतेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोनों ही बराबरी की टक्कर दे रहे हैं, और देखो गाइस खून वून भी निकल रहा है साथ में, एकदम खून खराबा हो रहा है। और गाइस एक सेकंड, ये एकदम से ही कबूतर जैसे कहां से निकल के आ गए। भाई ये जेठे के जोकर ने पैदा करे कि अपने मॉब ने, जो भी हो लेकिन मेरे को तो बहुत डरावने दिख रहे, पता नहीं क्या है ये। चलो इनको तो छोड़ो, अपन तो युद्ध पे ध्यान देते हैं। और गाइस यहां पर अभी भी युद्ध चल ही रहा है, दोनों ही मॉब अपना दम लगाते हुए। ओहो भाई ये क्या हुआ, एकदम से लगता है अपने मॉब ने ना जेठे के मॉब पे बिजली गिरा दी।
नहीं यार गलत हो गया, जेठे के जोकर ने तो अपने जोकर को टपका दिया यार। भाई ये तो मेरा नुकसान हो गया और देखो यहाँ पर तबाही मचा दी ऊपर से। अबे यार क्या पागल जोकर है ये काड़ा कहीं का। रुक जाओ मैंने एक बार ये जेठे से पूछता हूँ कहीं ये चीटिंग तो नहीं कर रहा है। भाई जेठे मुझे मालूम है तू चीटिंग कर रहा है। अरे नहीं बड़े भैया, अरे भैया आपकी किस्मत में हारना था इसलिए आप हार गए। गाइस मुझे तो अभी भी जेठे पे यकीन नहीं हो रहा है। और अच्छा इसने ये वाली पेंटिंग बनाई थी। वैसे देखा जाए तो जेठे ने जोकर की पेंटिंग तो बड़ी ही घटिया बनाई है, लेकिन इससे जो ये जोकर निकला ना ये घटिया नहीं ये बहुत खतरनाक है। चल भाई तू मेरे पाले में क्या कर रहा है, निकल यहाँ से। कैसे बच्चों की तरह मरा भाई। चलो कोई बात नहीं जेठिया दो मैच जीत गया है, लेकिन गाइस आगे वाले तीन मैच तो अपन ही जीतेंगे। कुछ भी हो जाए जीतना ही पड़ेंगे वरना मैं हार जाऊंगा। तो इसलिए गाइस मैं इस बार सोच रहा हूँ कि मैं बनाता हूँ ऐसा मॉब जिसको मारना ना बहुत इम्पॉसिबल हो। लेकिन एक सेकंड में देखता हूँ कहीं जेठिया कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जेठिया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। जब भी तो वो दो मैच जीत गया आसानी से। नहीं यार देख वो तो शांति से वहां पर खड़ा है। चलो भाई उसको तो खड़े रहने दो, अपन तो चल के फटाफट से बनाते हैं अपना मॉब। हां तो गाइस मैं बोल रहा था कि मेरे को इस बार ऐसा मॉब बनाना है जिसको मारना इम्पॉसिबल हो। तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपने मॉब को बनाऊं पानी से, क्योंकि इस पानी एक ऐसी चीज है अगर आप उसको जितना भी मार लो ना उसको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से पानी वाला मॉब बनाना सही रहेगा। तो देखो गाइस अपन ने एक पानी वाला मॉब बना दिया है। असल में क्या है ये एक इंसान ही है, बस ये पानी का बना है। तो मैं इसलिए इसका नाम दूंगा वाटर मान। तो ठीक है फिर करते हैं इसको एक्सपोर्ट। और किधर है अपना वाटर मान? ओहो ये रहा। ओ भाई जैसा अपन चाह रहे थे बिल्कुल वैसे ही आगे है। तो देखो गाइस ये तो पूरा सर से लेकर पेड़ तक पानी का बना है। ये पानी का बना है तो अगर अपन इसको कहीं भी मारो तो शायद इसको कुछ होने नहीं वाला। अब देखता हूँ कि मैं जेठे का मॉब इसके सामने कैसे टिकता है। तो गाइस काफी टाइम हो चुका और मेरे को लगता है कि भैया ने अपना मॉब बना लिया होगा। तो देखते हैं कि भैया ने कौन सा मॉब बनाया, लेकिन इस बार अपन यहाँ से नहीं झाकेंगे क्योंकि ना भैया ना यहाँ से देख रहे थे। तो इसलिए अपन एक काम करते हैं यहाँ ऊपर से झाकते हैं। एक सेकेंड ये भैया ने कौन सा मॉब स्पॉन करा है भाई, ये तो फुल टू पानी से बना, तो ऐसा लग रहा है कोई पानी वाला मॉब है। तो अच्छा भैया ने इस बार पानी वाला मॉब बनाया है। तो गाइस पानी वाला मॉब ना बहुत ताकतवर होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि पानी को क्या है कि अपन कुछ डैमेज दे नहीं सकते। तो कौन सा मॉब बनाए, आग का बनाए क्या? नहीं यार आग तो बुझ जाएगी, तो फिर पानी को टक्कर कौन दे सकता है? अरे हाँ सैंड, अगर अपन पानी के ऊपर सैंड डाल दो ना तो पानी खत्म हो जाता है। तो ठीक है फिर अपन जो मॉब बनाते हैं वो अपन सैंड का ही बनाते हैं। भैया ने वाटरमैन बनाया तो अपन बनाएंगे सैंडमैन। एंड गाइस अपन ना ये वाला मॉब ना इतना शक्तिशाली बनाएंगे क्योंकि ना गाइस मेरे को ना ये वाला राउंड किसी भी हाल में जीतना है। और देख रहे हो कैसे बॉडी बिल्डर वाली बॉडी बनाई मैंने अपने मॉब की। भैया का मॉब तो क्या ही टिक पाएगा इसके सामने। अब ओके अपन इसके अब पैर भी बना देते हैं और गाइस पैर भी अपन इसके बनाएंगे एकदम हाथी जैसे। ओके गाइस अपना मॉब तैयार हो चुका है। एंड गाइस अभी मैं सोच रहा हूं कि इसको मैं एक हथियार भी दे दूं। एंड गाइस हथियार के नाम पे मैं इसको दूंगा एक कांटेदार कैक्टस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपना मॉब ना ये कैक्टस की मदद से ना भैया के मॉब को छलनी छलनी कर दे। तो फिर किधर आया अपना मॉब? अरे ये देखो ये आ गया। ओ भाई जैसा चाहे था बिल्कुल वैसे है, एकदम बॉडी बिल्डर और हाथ में कैक्टस भी आ चुका है। अरे बड़े भैया मैच चालू करो। तो क्योंकि इस जेठे भी तैयार हो चुका है तो अपन दीवार हटाते हैं और मैच चालू करते हैं। और एक सेकंड इस बार इस जेठे ने क्या स्पॉन करा है? चलो ये अच्छा है कि अपने मॉब से बहुत अलग ही मॉब स्पॉन करा है, वरना मुझे लग रहा था कि इस बार भी कोई ये पानी वाला मॉब स्पॉन नहीं कर दे। वैसे ये मॉब है क्या? ये तो ऐसा लग रहा है रेत का बना है। अबे यार रेत का मॉब पानी के सामने कहाँ टिक पाएगा भाई, इस बार तो तू हारेगा। और ये हाथ में कैक्टस वगैरह से भी कुछ नहीं होगा भाई। तो कि गाइस युद्ध चालू हो चुका है और दोनों मॉब एक दूसरे पे खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे हैं। क्या लगता है दया कौन जीतेगा? मेरे को तो लगता है कि मेरा मॉब जीत जाएगा। अरे यार ये अपना वाटरमैन कहाँ चले गए, दिख नहीं रहा यार। ओ ये क्या हुआ? ओ ये देखो वापस आ गया गाइस। और ये देखो अपना वाटरमैन ये रेत के जानवर को कैसे उठा उठा के मार रहा है। पर यार ये जेठे का मॉब भी हार नहीं मार रहा है, पता नहीं क्या ये छोटे छोटे रेत के तूफान पैदा कर रहा है। देखो वो रेत के तूफान दो दो। ये देखो अपना मॉब कैसे उछाल उछाल के मार रहा है इसको। गाइस वैसे देखा जाए तो ये दोनों की एबिलिटी सेम ही है। अपना मॉब पानी के ब्लॉक से अटैक कर रहा है और ये जेठे का मॉब ना सैंड ब्लॉक से अटैक कर रहा है। चल मार यार वाटरमैन मार इसको। अबे यार ये अपने मॉब की क्या एबिलिटी है यार, बार बार गायब हो जाता है। एंड गाइस ये क्या, जेठे के मॉब ने अपने मॉब को खत्म कर दिया। यार ऐसे कैसे हो गया यार, अपने वाटर मान को तो इसको धूल चटा देना चाहिए थी, लेकिन अपना वाटर मान तो इसके सामने टिक ही नहीं पाया। और वो देखो गाइस वो बेटा जेठे का मस्त बैठ के चिल मार रहा है। यार इसको कोई टेंशन वेंशन नहीं है क्या बे? अबे यार जेठे तू ये वाला राउंड भी जीत के तू बता यार, तू ये तीनों राउंड कैसे जीत गया? यार भैया मैं बता रहा हूँ ना ये सब चीजें मेरे लिए बच्चों वाली है। अच्छा तो ये बनाई थी जेठे ने पेंटिंग, अरे ये तो कार्टून लग रहा है। और इसको भी देखो ये भी कैसा कार्टून दिख रहा है, लग रहा है कि ये किसी को भी हरा पाएगा। गाइस लिटरली बता रहा हूँ मेरे को अभी रोना आ रहा है। अपन ने बड़े भैया को हरा दिया है कंपटीशन में चीटिंग करके और उनको मालूम ही नहीं पड़ा, और देखो बेचारी कैसे सदमे में चले गए। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि अपन ना बड़े भैया को थोड़ा सा और सदमे में डालते हैं। और वो बताऊँ कैसे? चूचू चार्ल्स की पेंटिंग बनाकर। तो फिर ठीक है फटाफट से अपन चूचू चार्ल्स की पेंटिंग बनाते हैं। ओके ये बन गया अपना खतरनाक सा चूचू चार्ल्स, और अब इसको करते हैं एक्सपोर्ट। गाइस मैं सही बता रहा हूँ मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं हार गया। अरे एक सेकंड भाई ये चूचू चार्ल्स कहाँ से आ गया? अरे यार अभी ये कहाँ से आ गया यार, ये जरूर जेठे की करतूत होगी, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं।